राजस्थान में वसुंधरा सरकार बेहतरीन काम कर रही है। ये सीएम राजे की सोच का ही नतीजा है कि आज लोग नहीं बल्कि सरकार गांव-गांव पहुंचकर उनसे रूबरू हो रही है। ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का। दरअसल दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में आयोजित वरिष्ठ जन सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने वसुंधरा सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी का विजय रथ जारी रहेगा। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें करीब जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के 300 वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, महामंत्री भूपेंद्र यादव, वी सतीश समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। ये तो तस्वीरें आपके सामने, जहां तारीफ की गई राजस्थान की वसुंधरा सरकार की अमित शाह द्वारा। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में ये खास कार्यक्रम रखा गया था, जिसका आयोजन केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया था। आपको बता दें कि इसमें जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के 300 वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया था, जहां कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, महामंत्री भूपेंद्र यादव, वी सतीश समेत कई प्रमुख नेता पहुंचे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले, तीनों जगह हमारी सरकार बहन वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव तक पहुंचने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि मैंने जो नरेंद्र मोदी जी की विजय यात्रा का वर्णन किया, मैं कर्नाटक से रुका हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 6 महीने के बाद बोल पाऊ, इस प्रकार का विजय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। हमने सोचा कि सबसे पहले अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, तो मन में आया कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सबसे वरिष्ठ समाज जो है उसे सम्मान कराए। ये मैं सौभाग्य मानता हूं कि ना जयपुर ना दिल्ली बल्कि उसके बीच में साधारण जो क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण का सरल, उसकी लोकसभा क्षेत्र के लिए आज खुद अध्यक्ष जी खुद यहाँ पर आए और कार्यक्रम।